नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं dlallantop.com। एक वक्त था जब टेस्ट मैच बड़ा बोरिंग लगता था। बल्लेबाज आते थे, टुक टुक करने लगते थे, पता चला पहला रन बनाने में ही 50 गेंदें निकल गईं और जनता के गुस्से का मीटर हाई। मतलब टेस्ट मैच देखना बहुत हिम्मत वाला काम था। फिर आया एक खिलाड़ी, नाम वीरेंद्र सहवाग। भाई साहब, इस आदमी ने टेस्ट मैचों को भी इंटरेस्टिंग बना दिया। पहली ही बॉल से बॉलरों को धुनना शुरू। लोग इस लालच में टेस्ट मैच देखते थे कि सहवाग मारेगा। इतना क्रेज कि सहवाग आउट हो जाए तो पता लगा टीवी बंद। फिर सहवाग ने ले लिया रिटायरमेंट। एक बार फिर से टेस्ट में टुक टुक का युग लौट आया, मगर अब लगता है कि ये गैप फिर खत्म होने वाला है, क्योंकि टीम में एक नया वीरेंद्र सहवाग आ गया है, बाएं हाथ का वीरेंद्र सहवाग। ट्रेलर देखने को मिला 18 अगस्त को। लगातार 2 टेस्ट मैच हार चुकी टीम इंडिया का, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है नॉटिंघम के मैदान में। पहले बैटिंग आई टीम इंडिया की, भगवान की दया से बड़े दिनों बाद एक अच्छी शुरुआत मिली। 60 रन पर पहला विकेट गिरा, फिर कोहली और रहाणे ने टीम को संभाला। 279 के स्कोर पर विराट कोहली आउट हुए तो फिर मैदान पर 20 साल का वो लड़का आया जिसका सबको इंतजार था, पहला मैच खेलने, अपना डेब्यू मैच खेलने। 77वां ओवर चल रहा था, सामने आदिल रशीद थे। पहली बॉल कोई रन नहीं गया, मगर दूसरी बॉल आगे बढ़कर एकदम नाक की सिधाई में छक्का। ये छक्का नहीं था, ये उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस था जिसने T20 में 32 गेंदों पर सेंचुरी मारी है। IPL में गेंदबाज जिसका खौफ खाते हैं, बात हो रही है ऋषभ पंत की। बंदे ने छक्के से खाता खोल वो कर दिया जो अब तक कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया था। जी हाँ, इससे पहले टेस्ट मैच में किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने छक्का मारकर खाता नहीं खोला था। विदेश में भी 11 खिलाड़ी ही ऐसा कर पाए हैं। भाई डेब्यू की बात करें तो इंडिया से बाहर न्यूजीलैंड के मार्क क्रेक ने पहली गेंद पर छक्का मारकर डेब्यू किया था और ऑस्ट्रेलिया के एरिक फ्रीमैन ने दूसरी गेंद पर छक्का मारकर करियर का पहला रन बनाया था। साल 2015 में दिल्ली रणजी में डेब्यू करने वाला उत्तराखंड का यह खिलाड़ी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2016 में अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ और वहां 104.29 के स्ट्राइक रेट के साथ इस खिलाड़ी ने 267 रन बनाए। इसी साल दिल्ली के लिए रणजी मैच खेलते हुए 8 मैचों में 928 रन टांग दिए। उसमें महाराष्ट्र के खिलाफ 13 शतक और झारखंड के खिलाफ 48 गेंदों पर सेंचुरी शामिल है। ये भारतीय घरेलू क्रिकेट का सबसे तेज शतक है। ऋषभ ने घरेलू क्रिकेट में अब तक 23 मैच खेले हैं जिनमें 54.5 के औसत से 1744 रन बनाए हैं। अपने इसी ताबड़तोड़ खेल के बूते ही ऋषभ IPL के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं। पिछले IPL के सीजन में ऋषभ को दिल्ली ने 8 करोड़ में खरीदा था और ये पूरी तरीके से पैसा वसूल साबित हुआ। ऋषभ ने 14 मैचों में 684 रन बनाए और इस सीजन सबसे ज़्यादा 37 छक्के लगाए। छक्के से ऋषभ का प्रेम वैसे भी बहुत पुराना और तगड़ा वाला है। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1831 बॉलों पर 75 छक्के मार चुके हैं, यानी हर 24 बॉल पर एक छक्का। लिस्ट ए क्रिकेट में 736 बॉलों पर 25 छक्के, यानी हर 29 बॉल पर एक छक्का। T20 में 1084 बॉलों पर 97 छक्के, यानी हर 11वीं बॉल पर एक छक्का। टोटल 197 छक्के 3651 बॉलों पर, मतलब हर 19वीं बॉल पर छक्का। और अब अपने पहले टेस्ट की दूसरी बॉल पर ही छक्का। यानी टीम में अब आप ना सिक्सर किंग युवराज सिंह को मिस करेंगे और ना ही वीरेंद्र सहवाग को, क्योंकि टीम के पास अब है ऋषभ पंत। अब आपको ऋषभ के इन लंबे लंबे शॉट्स के राज भी बता देते हैं। दरअसल इस लेफ्टी की खासियत ये है कि वो अपने शॉट के पीछे पूरी ताकत लगा देता है, हुसड़ के मारता है, माने गेंद बल्ले के मिडिल में लगे या ना लगे वो बाउंड्री पार गिरे ही जाकर। अब यही टैलेंट ही तो है जिसकी बदौलत ऋषभ इंडिया के लिए 21 साल से भी कम उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले छठे क्रिकेटर बने हैं। रिद्धिमान साहा के चोटिल होने और दिनेश कार्तिक के पहले 2 मैच में ना चल पाने के कारण ही उन्हें फायदा मिला है। हालांकि वो सेलेक्टरों की नज़र में तभी आ गए थे जब उन्होंने अभी इंग्लैंड में हुए इंडिया ए के टूर्नामेंट में 3 हाफ सेंचुरी मारी थी। इंडिया ए के कोच राहुल द्रविड़ ने ऋषभ के बारे में हाल ही में कहा था कि ये वो खिलाड़ी है जो किसी भी सिचुएशन और किसी भी स्पीड से बैटिंग कर सकता है। यही एक क्वालिटी और अपने पीछे रनों के अंबार से मिला कॉन्फिडेंस इस खिलाड़ी को खास बनाता है। उम्मीद है कि ऋषभ पंत तीनों फॉर्मेटों में अपने खेल के बूते जगह पक्की करेंगे और ऐसा ही शानदार खेलते रहेंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए dlallantop.com। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा dlallantop की ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आ चुकी है, उसको डाउनलोड कीजिए और उसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। शुक्रिया।